तो युद्ध हो ही गयो। 12 साल का दिसोटा जब पांडवों ने पूरा कर लिया तो उसके बाद 13वां साल अज्ञातवास बिताना था पांडवों को। सुनो भाई, तो जंगल बियाबान में पांचों भाई द्रौपदी के साथ बैठकर विचार करने लगे। युधिष्ठिर कहने लगे, तुम चालोगे किस देश में, कौन जगह रहने के लायक है? तो जब युधिष्ठिर कहने लगा कि भाई कौन से देश में चलोगे, भीम ने बोले के बरात में थोड़ी ना रहा, हमेशा देश और प्रदेश गिनाना शुरू कर दिया। ये तो इसी जगह चलो जय जगह अपना मित्र हूँ, लेकिन वह फिर पिछाड़ता ना हूँ। कहने लगे भैया, ऐसा तो केवल राजा विराट का की जगह है, राजा विराट की राजधानी में रहूंगा। वो लोग अपने को पहचानते नहीं क्यों, कभी आए नहीं है, लेकिन वो क्योंकि हमारे कर्द हैं इसलिए हमारे मित्रता निभाएंगे। वो हम कह देंगे भाई पांडव चले गए अज्ञातवास में, हम तो उनका नौकर चाकर सा, एक साल कटवा दो हमारा, फिर पांडव हम आगे ले जाऊंगा। तो बोला भाई के भेस के बदलांगा सारा। पहले युधिष्ठिर ने बोले, मैं तो भाई कंक नाम को ब्राह्मण बन के जुओ खिलाऊंगा राजा ने। भीम ने बोले, ओ महाराज हाँ जुआ का गालोड़ा गम को बड़ पाया है ना, कदे बावड़ के जुआ जुआ की टाल कर दिए, बाकी की मैं कर ली। युधिष्ठिर ने बोले, रे भाई सुन ले, ये तो बखत बखत की बात है, बाजी मेरी सुनिए, हार में पड़ गई तो जीत में हो तो जुआ दिखा के मजा आ। बोला, रे जुए ओ चोरी कैसा मजा नहीं, जय मार ना हो जुए जैसा खेल नहीं है, मार ना हो मजा नहीं, जब गेखना गिना पड़े तो। पर केस है ये पुलिस वाला दे ही तोड़ कर, इसलिए बोले चोरी करने में डर लग गए थे। और जुआ जय भाईया में जीत हुई जा तो जुए जैसा कोई मजा नहीं होता। Thank you.
भाइयों जैसा प्यार नहीं, भाइयों जैसा प्यार नहीं, तकरार मजा नहीं जे मारना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं जे हारना हो तो।